नमस्कार। कक्षा 11 का 11वां अध्याय आज हम देखते हैं, जिसमें हम जलवायु में कितना पानी है इसके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में बात की है, जो पानी का अमाउंट है, जो वाटर वेपर वाष्प का अमाउंट है, वो हर जगह पर विभिन्न होता है। अगर हम भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बात करेंगे तो वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा वर्षा पाई गई है। पर दूसरी तरफ अगर हम रेगिस्तान के क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पर जो वायुमंडल है उसमें वाटर वेपर का कंटेंट कम होगा। ये जो पानी है ये अलग अलग तरीकों से पाया जा सकता है। ये सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, आइस के रूप में, बर्फ के रूप में, स्नो के रूप में। ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जो कि आपके नदी तालाबों में देखने को मिलता है। ये गैस के फॉर्म में हो सकता है, जब ये इवेपोरेट होता है। इसी तरीके से पानी या तो खारा हो सकता है या स्वच्छ हो सकता है। खारा पानी आपका मुख्यतः रेगिस्तानों में देखा गया है, समुद्री इलाकों में देखा गया है, जबकि आपका स्वच्छ जल नदियों में, तालाबों में देखा गया है। तो ये अलग अलग डिस्क्रिप्शन है जो हमने समझने की कोशिश की यहाँ पर। पर इन सब में हम एक वाटर साइकिल को समझते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए कि ये पानी का एक बहुत बड़ा तालाब है या समुद्र है। यहाँ से गर्मी के मौसम में पानी वाष्प बनकर ऊपर उठेगा, तो वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन होने की वजह से धीरे धीरे जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो ऊपर की सतह में जाने लगेगी और वहाँ पर छोटे छोटे जो मिट्टी के कण हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उसके आसपास ये पानी की बूंदें जमने लगेंगी और धीरे धीरे बादल की संरचना होगी। इसी तरीके से जैसे ज़मीन से, समुद्र की सतह से पानी वाष्प की तरह ऊपर उठता है, पेड़ों से भी पानी धीरे धीरे लूज होता है। उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये दोनों ही वजह से, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की वजह से, जो पानी है, जो वाटर है, वो वाटर वेपर बनता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहा गया है। वाष्पीकरण की वजह से आपके बादल बने। अब जब बादल बनने की संरचना हो रही है, ये जो वाष्प धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ये ठंडी हो रही है। ठंडी होने की तरह की वजह से ये आपस में जुड़ने लगेगी या मॉइस्चर के फॉर्म वापस ले लेगी। तो जो वाटर वेपर वापस पानी बन जाता है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है या संक्षेपण कहा जाता है। कंडेंसेशन होने की वजह से बादल की आकृति बनेगी। अब ये बादल जो बने हैं, ये क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है, काफ़ी समय तक तो ये आकाश में रहेंगे, पर जब इसमें मॉइस्चर या नमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये बादल उस नमी को रख नहीं पाएंगे और वो बरस जाएंगे। तो ये जो बादल का बरसना हुआ, इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहा गया। प्रेसिपिटेशन की एक सबसे आसान तरीका जिसको हम समझ सकते हैं, वो बारिश या रेनफॉल है। इसकी वजह से वर्षा का पानी नीचे आया। अब ये जो पानी नीचे आया, ये वापस हमारे नदी तालाबों में मिल गया, तो ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है, जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल के नाम से भी समझते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पानी में, वातावरण में नमी तो पाई गई है। अगर ये नमी उस लेवल की है कि पूरा जो वायु का हिस्सा है वो नमी से फुल्ली सैचुरेटेड है, या उसमें और ज़्यादा नमी लेने की क्षमता नहीं है, तो उसे हम सैचुरेटेड एयर पार्सल कहते हैं। दूसरी तरफ होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वास्तविकता में वो एयर पार्सल कितना मॉइस्चर रख सकता है, वो उतना ही रख पाता है, और उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा गया है, जो कि ग्राम पर क्यूबिक मीटर्स में नापी जाती है। इट इज़ अ एबिलिटी टू होल्ड वाटर दैट इट कैन। और दूसरी तरफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि कितना प्रतिशत वो पानी रख सकता है और कितनी उसकी फुल कैपेसिटी है। तो समुद्र में ये कैपेसिटी ज़्यादा होगी, कॉन्टिनेंट्स या जो ज़मीन है उस पर ये कैपेसिटी कम होगी। तो निश्चित तौर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर वेरी करती है। अब जब पानी ऊपर उठता है, वाष्प बनता है, तो जैसा कि हमने देखा, तापमान के साथ परिवर्तन आता है। तो एक मिनिमम तापमान होगा जिसके ऊपर वो वाष्प बनना शुरू होगा। उस मिनिमम को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि आपके लिए वापस समझना ज़रूरी है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, पानी के एब्जॉर्ब होने की क्षमता भी बढ़ती है और मॉइस्चर ऑब्टेन करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तभी ज़्यादा मॉइस्चर उठ पाएगा और बादल उस ज़्यादा मॉइस्चर को अपने साथ रख पाएगा। फिर होता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट का मतलब होता है वो तापमान जिस पे हम बोल सकते हैं कि सैचुरेशन पॉसिबल है। अब जब हमने बात की संक्षेपण की या कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन की प्रक्रिया में तीन मुख्य कारक होते हैं। पहला, तो या तो मैं उसका वॉल्यूम और तापमान दोनों बहुत घटा दूं, या उसमें मॉइस्चर का अमाउंट बढ़ा दूं, या
ध्यान से सुनिएगा, या फिर मैं ताप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के तापमान को लगातार गिराती रहूं जब तक वो ड्यू पॉइंट पे ना पहुंच जाए, तो उन तीनों ही केसेस में कंडेंसेशन पॉसिबल होगा। अब जब हम कंडेंसेशन की बात करते हैं या संक्षेपण की बात करते हैं, तो ये अलग अलग प्रक्रिया से हो सकता है। जो बादल बनने की प्रक्रिया है वो सबसे ही सरल प्रक्रिया है, पर जब ये वर्षा की तरह नीचे आता है तो इसमें कुछ फिनोमिनाज होते हैं जो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको हम पानी के लिए 0 डिग्री मानते हैं। अगर वो 0 डिग्री से ऊपर एग्जिस्ट कर पाता है तो उसको हम ड्यू बूंद, ड्यू कहते हैं, ड्यू पॉइंट या ओस की बूंदें। ओस की बूंदें अक्सर ही आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा, पत्तियों पर छोटी छोटी बारिश की बूंदें जैसी दिखाई देती हैं। वो असली में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ठंडी और लंबी रातों में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो मॉइस्चर जो ग्राउंड की सरफेस है उस पर छोटे छोटे फॉर्म्स में जम जाता है और उसको हम ड्यू कहते हैं। दूसरी तरफ होता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होता है और इसमें पतले पतले आइस क्रिस्टल्स जमा होते हैं। मुख्यतः साफ क्लियर वेदर और काम कंडीशंस में ये पाया गया है, जब रातें बहुत ठंडी होती हैं और जब आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ आता है आपका फॉग और मिस्ट। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। मिस्ट जो होती है उसमें मॉइस्चर रखने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसकी एक बहुत मोटी लेयर बनती है और वो मुख्यतः पहाड़ियों में देखी गई है। जबकि जो फॉग होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में देखा गया है जब रातें लंबी होती हैं। और फॉग और मिस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोनों में ही जो कॉमन है, वो ये है कि ये दोनों ही जमीन की सतह के बहुत पास में पाए गए हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी शहरी इलाके में रहते हैं और वहाँ पर कोहरा है जिसको हम फॉग कहते हैं। अब इस कोहरे में पोल्यूशन भी है, तो जब ये स्मोक और फॉग, कोहरा दोनों मिल जाते हैं तो ये स्मोक की संरचना करते हैं। पिछले वर्ष हमने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से जो ग्रेट स्मोक कहा गया था वो हुआ। उसका एक कारण ये था, दूसरा कारण जो फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं या क्रॉप रेसिड्यू जो जलाया जाता है पंजाब हरियाणा में, वो भी था। पर यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो धुआं है और जो कोहरा है वो आपस में मिलके स्मॉग बनाते हैं। स्मॉग के बनने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, मतलब आपको बहुत दूर तक का साफ दिखाई नहीं देगा। तो रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगा और एक्सीडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्मॉग के साथ एसोसिएटेड हैं। अगला है बादल की संरचना। बादल की संरचना कैसे होती है वो हमने समझा। अब बादल के मुख्य प्रकार क्या हैं? जो सबसे पहला प्रकार है उसको हम सिरस क्लाउड्स कहते हैं, जो बहुत ऊंचे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, जो कि बहुत पतले होते हैं और पंख जैसे लंबे और सफ़ेद होते हैं। दूसरा होता है क्यूमुलस क्लाउड, जो कि गेंद की तरह होते हैं पर इनका बेस जो है फ्लैट होता है और ये फूले फूले से दिखाई देते हैं। अगर कपास की ढेरी रख दी जाए तो वो कैसी दिखाई देगी, उस तरीके के क्यूमुलस क्लाउड्स दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ है स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड फ्लैट्स होते हैं, लेयर्स में पाए जाते हैं। और निम्बस क्लाउड वो होते हैं जो गहरे रंग के होते हैं, ग्रे ब्लैक कलर के होते हैं, जो मुख्यतः वर्षा के लिए फेमस क्लाउड्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि काले बादल आते ही वर्षा का या मेघ बरसेंगे। तो वो हो गया आपका निम्बस क्लाउड। अब इन सभी क्लाउड के कॉम्बिनेशन से अलग अलग क्लाउड्स बनते हैं। जो ऊपरी क्लाउड्स बनते हैं वो या तो सिरस हो सकते हैं, सिरो स्ट्रेटस हो सकते हैं या सिरो क्यूमुलस हो सकते हैं। तो एक तो स्ट्रेट दिखेंगे और एक फूल फूल की तरह दिखेंगे। दूसरा है मिडिल क्लाउड्स। ये एल्टो के साथ कंबाइन होते हैं। ये वो एल्टो नहीं है जो गाड़ी आप चलाते हैं, पर ये एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस है। तो एल्टो स्ट्रेटस फ्लैट होंगे और एल्टो क्यूमुलस घूमे हुए फूल की तरह दिखाई देंगे, पर ये थोड़े मिडिल क्लाउड्स हैं जो थोड़ी निचली लेयर पे पाए जाएंगे। उसके नीचे आते हैं लोअर क्लाउड्स, जो कि स्ट्रैटो क्यूमुलस और निम्बोस्ट्रेटस की तरह हैं। निम्बोस्ट्रेटस वर्षा के बादल होते हैं और कुछ बादल होते हैं जो वर्टिकल डेवलपमेंट्स के साथ चलते हैं, जिनको हम क्लुम्बोनिम्बस कहते हैं, जो कि वापस वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी तरफ आपके क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं। अब जो प्रेसिपिटेशन होता है वो विभिन्न विभिन्न तरीके का हो सकता है। जो मॉइस्चर बादलों में है वो किसी भी तरीके से नीचे आ सकता है। अगर वो बारिश की तरह आता है तो उसको हम वर्षा कहते हैं। अगर वो बर्फ़ की तरह आता है तो उसको हम स्नोफॉल कहते हैं। स्नोफॉल में मुख्यतः हेक्सागोनल पार्टिकल या षटकोण पार्टिकल्स गिरते हैं। और स्नो और आइस में एक बहुत
फेमस डिफरेंस है या बहुत प्रसिद्ध अंतर है। स्नो आपको कभी भी सरफेस पे गीली नहीं लगेगी, जबकि बर्फ जब पिघलती है तो आपको वहाँ पर गीलापन दिखाई देता है। स्लीट जो है, जो बर्फ गिरी है वो पहले जमेगी, फिर पिघलेगी, फिर वापस जमेगी, और ये सारा प्रोसेस जो है फ्रीजिंग लेवल के ऊपर होगा, पर जब वो ज़मीन पे आने वाली होगी तब एकदम से सब फ्रीजिंग सरफेस हो जाएगी और वो जमने की प्रक्रिया शुरू करेगी। तो वो होता है आपका स्लीट। स्लीट पौधों के लिए मुख्यतः कहा जाता है कि नुकसानदायक होती है। इसी तरीके से ओलावृष्टि, जिसमें छोटे छोटे बर्फ के गोले ज़मीन पर गिरते हैं, तो इसको हम ओलावृष्टि या हेल स्टोन कहते हैं। अब बारिश मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, जो हम यहाँ पर समझेंगे। पहली होती है कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल का मतलब क्या है? नॉर्मली जब समुद्र है, समुद्र में गर्मी बढ़ी तो तापमान ज़्यादा होने की वजह से वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होने की वजह से बादल की संरचना हुई और वर्षा हुई। तो ये हो गया आपका बिल्कुल सिंपल प्रोसेस बारिश को समझने का, जिसको हम कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। दूसरा होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ रेनफॉल, जिसको हम कहते हैं। ये मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया है। अब मॉइस्चर से भरा हुआ बादल है, अब ये चल रहा है और सामने मान लीजिए एक पहाड़ी है, तो ये पहाड़ी पे टकराएगा और इस तरफ बरस जाएगा। क्योंकि ये इस क्षेत्र में बरस चुका है, यहाँ पर जो साइड है उसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं, हवा की वजह से यहाँ बादल आ रहे हैं। पर इन बादल में से सारी नमी तो झड़ चुकी है। अब जब ये दूसरी तरफ जा रहे हैं तो इनके पास कोई भी नमी नहीं बची है, तो दूसरी तरफ जब ये पहुंचेंगे तो वहाँ पर बारिश बहुत ही कम मात्रा में या नगण्य मात्रा में देखी जाएगी, और उस क्षेत्र को रेन शैडो क्षेत्र या लीवर्ड साइड कहा जाता है। अच्छा एग्जाम्पल है भारत में वेस्टर्न घाट्स का जो क्षेत्र है, उसमें एक तरफ अच्छी वर्षा होती है, दूसरी तरफ वर्षा नहीं देखी जाती है, तो वो आपकी विंडवर्ड और लीवर्ड साइड हो गई। लीवर्ड साइड को रेन शैडो साइड भी कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर परछाई पड़ती है, बारिश की बारिश नहीं होती है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और आखिर है आपका चक्रवाती वर्षा, जिसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहा गया है। ये दो तरीके की हो सकती है, ये टेम्परेट हो सकती है या ट्रॉपिकल हो सकती है। ट्रॉपिकल या जो वर्षा होती है वो मुख्यतः आपके कन्वेंशनल वर्षा के सिमिलर होती है, गर्मी उत्पन्न होने की वजह से वहाँ पर डिप्रेशन फॉर्मेशन हो जाता है और चक्रवाती वर्षा होती है। दूसरी तरफ जो टेम्परेट साइक्लोनिक वर्षा होती है या चक्रवाती वर्षा होती है, उसमें वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, और फ्रंट फॉर्मेशन की वजह से ये वर्षा होती है, जो कि हम और डिटेल में फ्रंट्स में समझेंगे। तो ये हो गई आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल। अब अगला है वर्षा। वर्षा के पैटर्न्स क्या क्या हैं? निश्चित तौर पर समुद्र के क्षेत्र से ज़्यादा वाष्पीकरण हो रहा है तो वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होगी। तटीय क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्रों से ज़्यादा वर्षा पाई जाएगी। अगर भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वर्षा धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये तो कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर समझी कि किस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होगी, किस क्षेत्र में वर्षा कम होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि 35 से 40 डिग्री इक्वेटर से ऊपर के क्षेत्र में अगर हम देखें, या भूमध्य रेखा से ऊपर के क्षेत्र में हम देखें, तो हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं, तो ईस्ट की तरफ वो अपना मैक्सिमम मॉइस्चर झाड़ चुकी हैं, और जब तक वो वेस्ट की तरफ पहुंचती हैं उनमें नमी बहुत ही नगण्य मात्रा में रह जाती है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में मुख्यतः जो पश्चिम के तट हैं वहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र पाए गए हैं। दूसरी तरफ 45 से 60 डिग्री उत्तर और पूरब में अगर हम देखें तो वेस्टर्लीज बहती हैं। तो ये वेस्टर्ली हवाओं की वजह से क्या होगा, मॉइस्चर सबसे पहले वेस्ट में गिरेगा और धीरे धीरे ये ईस्ट की तरफ जाएगा, तो सबसे ज्यादा वर्षा उन क्षेत्रों में वेस्ट या पश्चिम की तरफ होगी, और जैसे जैसे पूरब की तरफ जाते जाएंगे वर्षा कम होती जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर बेसिक्स या फंडामेंटल्स वर्षा के बारे में, मॉनसून के बारे में समझ सकते हैं। आगे के अध्यायों में हम और डिटेल में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी हम बहुत लेवल तक कवर करेंगे, तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत